नमस्कार दोस्तों, MCG एकेडमी ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मैं बताता हूँ कि आप लोगों के लिए रेगुलर दोपहर में 2 बजे जो है मैं GS की क्लास लेकर के आने वाला हूँ। तो ये आप लोगों का टॉपिक जो है शुरू हो चुका है, किस प्रकार से मैं आप लोगों को GS पढ़ाने वाला हूँ। तो आप लोगों को जो पहला आप लोगों का आज का सेशन है उससे शुरुआत करते हैं। द वेरी फर्स्ट आप सभी का MCG एकेडमी ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। यदि आप लोग कोई भी संपर्क करना चाहते हो, यदि आप लोग कुछ भी बातचीत करना चाहते हो, तो ये मेरा आप लोगों के लिए व्हाट्सएप नंबर है। यदि आप लोग कोई भी बातचीत करना चाहते हो तो आप लोग मुझे सीधा व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, आइए शुरुआत करते हैं किस प्रकार से क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। तो आज मैं आप लोगों को जो है ट्रिकी GS के माध्यम से आप लोगों को जो पढ़ाना शुरू करने वाला हूँ, हर दिन आप लोगों के लिए ट्रिकी GS ही लेकर के आऊँगा। ओके, हर दिन आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को पढ़ने के लिए बहुत से साधन जो आप लोगों के लिए यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, बट आप लोगों को इस प्रकार से कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा जिस प्रकार से मैं आप लोगों को ट्रिकी GS आज पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। हर रोज़ मैं आप लोगों के लिए 2 से 3 ट्रिक्स लेकर के आया करूँगा। टाइम ड्यूरेशन आप लोगों का कम से कम रखने का मेरा जो है फॉर्मूला आप लोगों के लिए रहेगा। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो पहला जो आप लोगों का ट्रिक दिया गया है क्या है, तो ट्रिक जो आप लोगों को बतलाने वाला है, ट्रिक जो आप लोगों से क्या कहता है, ट्रिक में जो है आप लोगों का राजस्थान में सर्वाधिक जो पुरुष साक्षरता वाले जिले हैं उनको याद करने के तरीके के बारे में बताया गया है। मीन्स उनको लर्न किस प्रकार से करना है आप लोगों को, क्योंकि ये आप लोगों से जो है पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं यदि आप लोग कोई बड़ी प्रिपरेशन कर रहे हो। तो इसकी शुरुआत करते हैं, किस प्रकार से हम इनको याद करेंगे, तो किस प्रकार से याद कर सकते हैं। देखो आप लोगों को क्या है, राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जो राज्य हैं, तो झुंझुनू के जैसी भारती हमने ट्रिक बनाई है, क्योंकि द वेरी फर्स्ट आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा। यदि आप लोग सोच रहे हो कहीं से पढ़ा है, तो बिल्कुल नहीं, आप लोगों के लिए हम बिल्कुल बराबर लिखते हैं, मेहनत करते हैं, इसके बाद हम आप लोगों के लिए कुछ लेकर के आते हैं। तो हमने आप लोगों के लिए ट्रिक्स बनाई है कि झुंझुनू के जैसी भारती, ये आप लोगों की ट्रिक है। क्या किस चीज़ की ट्रिक है आप लोगों को याद करना है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ पर, राजस्थान में। राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जो राज्य हैं उनके लिए हम झुंझुनू के जैसी भारतीय इस प्रकार की ट्रिक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको पढ़ना शुरू करते हैं। क्या दिया गया है, झुंझुनू, तो झुंझुनू जो है, झुंझुनू एक जो राजस्थान में ऑलरेडी एक स्टेट है झुंझुनू, तो जो जिले हैं उनके नाम बताना था। तो झुंझुनू आप लोगों का फर्स्ट स्थान पर है, इनका रिकमेंडेशन भी इस प्रकार से रखा गया है। ओके, अब उसके बाद बात करते हैं कोटा। तो कोटा आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ही सुदूर दूर दराज के क्षेत्रों से वहाँ पर पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स पहुँचते हैं, तो पुरुष साक्षरता के क्षेत्र में कोटा का भी स्थान है। जयपुर जो हमारे राजस्थान की राजधानी है, तो ये आप लोगों को लिख देना चाहिए था, क्या राजधानी है, कहाँ की, ये राजधानी है हमारे राजस्थान की, मीन्स जो भारत की राजधानी, जैसे कि न्यू दिल्ली है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, इसी प्रकार जयपुर की राजधानी क्या है, राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। ओके, अब एक और जो आप लोगों का स्टेट कौन सा है, सीकर। तो सीकर आप लोगों ने राजस्थान में सुना होगा, सीकर भी वहाँ का एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर पुरुषों की साक्षरता जो है अच्छे स्थान पर मानी जाती है, 4th रैंक इसकी है। और साथ ही साथ भरतपुर, भरतपुर एक बहुत ही फेमस जगह है वहाँ पर राजस्थान में, भरतपुर जो है ऊँट की रेस के लिए प्रसिद्ध है। ये आप लोगों को फैक्ट ध्यान रखना होगा, भरतपुर जो है ऊँट की रेस के लिए प्रसिद्ध है। ओके, इसी के साथ अगले ट्रिक की ओर चलते हैं। अगला जो नेक्स्ट आप लोगों की ट्रिक दी गई है, ट्रिक आप लोगों से, अगली ट्रिक आप लोगों से क्या कहती है कि जो हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी धाराएं, जो ठंडी और गर्म धाराएं चलती हैं, तो उनके बारे में याद करने का सबसे शॉर्टकट तरीका जो हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, तो गर्म नहीं है सिर्फ आप लोगों के लिए, अभी ठंडी, जितनी भी ठंडी जलधाराएं उनके बारे में हम लेकर के आए हैं। तो जितनी भी ठंडी जलधाराएं उनके बारे में बात करते हैं, हम्बोल्ट की धारा, तो इसके बारे में हमने ट्रिक तैयार किया है ठंडी जलधाराओं को याद करने का। इससे अच्छा ट्रिक शायद आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप लोगों को क्या जलधाराएं, तो एक्चुअल में जलधाराएं क्या होती हैं, महासागरीय धाराएं होती हैं, उनके बारे में थोड़ा मैं आपको बातें करने बताने वाला हूँ। एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक विशाल जलराशि के प्रवाह को हम क्या कहते हैं, महासागरीय जलधारा कहते हैं। ओके, ये दो प्रकार की होती हैं, ठंडी और गर्म। तो आपको बताना चाहूँगा ठंडी जो जलधाराएँ होती हैं वो कहाँ, वो ध्रुवीय क्षेत्रों से हमारी जो है भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं, क्योंकि उधर से हमें इधर को आना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों को पता है ठंडी चीज़ गर्म की ओर जल्दी प्रभाव होती है, और गर्म जो हमारी होती है ठंडी स्थान की ओर जल्दी प्रभाव होती है। तो इसी प्रकार से जो ठंडी जलधाराएँ होती हैं वो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जो है चलती हैं, और साथ ही साथ जो हमारी गर्म जलधाराएँ होती हैं, जो हमारी भूमध्य रेखा की धाराएँ होती हैं, वो समुद्री क्षेत्रों से लेकर के जो कहाँ की ओर जाती हैं, तटीय क्षेत्रों में, या कहें ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर पलायन करती हैं। ओके, अब मैं आप लोगों को इनको याद करने का जो शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, याद किस प्रकार से इनको आप लोगों को करना है, तो दूसरी ट्रिक आप लोगों के सामने दी गई किस प्रकार से इनको आप लोगों को याद करना है। ओके, तो सेकेंड जो आप लोगों को ट्रिक क्या कहती है आप लोगों से,
ठंडी और गलम जल धाराओं की याद करने के लिए सबसे पहला जो वाक्य दिया गया है, हम बोले ग्रीन बगला क्यों केला फेंक रहा है। तो हम बोले, आप लोगों को थोड़ा सा चीज़ों को जोड़ना होगा, जब तक आप लोग जोड़ोगे नहीं तो आप लोग इतनी आसानी से याद होने वाली है नहीं। तो हम बोले बगला क्यों केला फेंक रहा है, तो हम बोले, तो हम बोले में हम वो जो है हम्बोल्ट की धारा जो है ठंडी जल धारा है विश्व की, और सबसे ज़्यादा ठंडी जल धारा के रूप में हम्बोल्ट की धारा को चुना जाता है, जिस कारण से इसका पहले स्थान पर नाम लेकर के आया हूँ। हम वो ले, तो हम वो तो हो गया हम्बोल्ट की धारा, ले हो गया आप लोगों का लेब्राडोर की धारा। तो लेब्राडोर की धारा ये भी आप लोगों के लिए ठंडे जल की धारा है, तो आप लोगों को इन चीज़ों को क्या है एक दो बार सुन लेना है। और यदि आप लोग इसका PDF फाइल चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो आप लोगों को जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को जो है इसकी PDF फाइल भी उपलब्ध हो जाएगी। और रेगुलर आप लोगों को बता देना चाहूँगा, रेगुलर इन द इवनिंग 8 बजे जो है आप लोगों के करंट अफेयर्स का सेशन रहता है, आप लोगों की जनवरी 2018 से आप लोगों के लिए सेप्टेम्बर 2019, जनवरी 2018 से आप लोगों के लिए 2018 से सेप्टेम्बर 2019 तक की सारी क्लासेस में आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स वो चल रहा है। 9 बजे जो है आप लोगों के लिए साइंस की क्लास रेगुलर चल रही है, साथ ही साथ 10 बजे आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स चलता है, सॉरी से 10 बजे आप लोगों के लिए मैथ्स चलता है, और आप लोगों के लिए 11 बजे आप लोगों के लिए रीजनिंग की क्लास रेगुलर लेकर के आता हूँ। ओके, और साथ ही साथ दोपहर 2 बजे की, 2 PM की यदि हम बात करते हैं तो ये GS की क्लास जो आप लोगों की चल रही है रेगुलर दोपहर 2 बजे ही होती है, और रेगुलर सुबह 7 बजे आप लोगों का डेली अपडेट वाला करंट अफेयर्स होता है। ओके, तो आज है आप लोगों का क्या 10 अक्टूबर, तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो इस प्रकार से इसको देखते हैं, हम बोले तो हम वो मीन्स हम्बोल्ट की धारा, ले यानी लेब्राडोर की धारा, लेब्राडोर की धारा भी ठंडे जो है ठंडे जल की अच्छे बड़ी जल धारा है, और ग्रीनलैंड की धारा। देखो आप लोगों को चीज़ों के नाम तो आप लोगों को आते हैं, बशर्ते आप लोग क्या एक दो भूल जाते हैं, इसके लिए ट्रिक्स बनाई जाती है। ट्रिक्स इसके लिए नहीं बनाई जाती, पर्टिकुलर आप उन चीज़ों को याद करो उसी के थ्रू। ट्रिक्स इसलिए बनाई जाती है कि आप लोगों को ध्यान तो रहता है लेकिन आप लोगों को एक सिक्वेंस और आप लगभग भूल जाते हो, तो ठंडे जल की धाराओं को आसानी से ऐसे याद हम कर सकते हैं। क्या हम्बोल्ट की धारा, तो हम वो ले, ले से लेब्राडोर की धारा, ग्रीन ग्रीन यानी ग्रीनलैंड की धारा, ग्रीन से ग्रीन आप लोगों का बगुला, हम बोले बगुला केला क्यों केला फेंक रहा है, हम बोले बगुला, हम बोले ग्रीन बगुला हरा बगुला जो है क्यों केला फेंक रहा है। तो इस प्रकार से ट्रिक्स आप लोगों को याद करनी है। ग्रीन यानी ग्रीनलैंड की धारा, बगुला यानी बैगुएला की धारा, हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है। तो ये ठंडी जल धाराओं को याद करने का शॉर्टकट मेथड है। क्यों यानी क्यूराइल की धारा, क्यूराइल की जल धारा जो है बहुत ही ठंडी जल धारा मानी जाती है, साथ ही साथ क्यों केला, केला यानी कैलिफोर्निया, जगहों के नाम यदि हमने सुने होते हैं तो ऑटोमेटिक हम उन चीज़ों को जोड़ सकते हैं। ओके, तुम FAK फेंक रहा है, तो ये तो रहा है पूरा सेंटेंस करने के लिए लिख दिया, मीन्स फेंक ही आप लोगों का रहा है, हम बोले ग्रीन बगला क्यों केला फेंक रहा है। तो F4 आप लोगों का होगा फाकलैंड, फाकलैंड की जो जलधारा है जो आप लोगों के लिए ठंडी जलधारा है, साथ ही साथ आखोष्टक की जलधारा ये भी आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट है, और K मीन्स फेंक, तो कनारी की जलधारा, कनारी की जो धारा है आप लोगों के लिए ठंडी जलधाराओं में से एक प्रमुख है। तो आज आप लोगों के लिए ये प्रमुख 2 ट्रिक्स थी। रेगुलर दोपहर 2 बजे आप लोगों के लिए इसी ट्रिक का दौर मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू चलाता रहूंगा, और जितना मैं आप लोगों के लिए डिटेल लेकर के आ सकता हूँ वो भी आप लोगों के लिए कंटिन्यू लिखता हूँ। तो हर दिन मेहनत हमारे द्वारा की जा रही है, बशर्ते आप लोगों को कंटिन्यू क्लास को ज्वाइन रेगुलर करना है। इसी के साथ मैं प्रमोद सिंह अपनी वाणी को प्रारंभ देता हूँ। और हाँ मेरे प्यारे साथियों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों, प्लीज़ सपोर्ट मी बाय शेयरिंग माई वीडियो।